अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गार्डियन टूल पेंट बकेट टूल। ठीक है, यहाँ पे हम इस पे जाएंगे, गार्डियन टूल जी प्रेस करेंगे, इसकी शॉर्ट की जो है जी है। हम न्यू फाइल लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल एन किया हमने, यहाँ से हम रख देते हैं 8 विड्थ हो जाए, इंचेस में कर देते हैं, और बाई 4 हो जाए हाइट 600। ठीक हो गया, हमने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, हमारे पास ये प्लस का साइन सा आ गया। फिर यहाँ देखें ये डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, हम इसको यहाँ से प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके ये देखें सीधी लाइन लगती है शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे अप्लाई किया, ये कलर ऐसे आ गया, ठीक है, गार्डियन। अब मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, ये इतना ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये सिलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये देखें ऐसे किया, ये ऐसे आ गया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने ऐसे किया, ये बिल्कुल सीधा आएगा लाइन, ठीक है। ऐसे करें, जैसा आपने बैकग्राउंड बनाना है वैसा आप कलर दे सकते हैं। फिर इसके बाद आता है ये वाला रेडियल, ठीक है, ये सर्कल सा बन जाएगा, ये देखें। सर्कल में काम करेगा, ये देखें। फिर इसके बाद आता है एंगल, एंगल के ऊपर क्लिक करके इसको अप्लाई करते हैं, ये देखिए एंगल बना रहे हैं, ठीक है, एंगल की तरह। फिर इसके बाद आता है ये वाला रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ छोड़ा, ये देखिए। फिर इसके बाद आता है डायमंड, डायमंड वाले पे क्लिक करते हैं, कि देखें ये शाइन डायमंड की तरह शाइन सा कर रहा है, ठीक है, शेप भी वैसे ही तकरीबन है। फिर इसमें ये वाले हैं नॉर्मल, ये बाद में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम अपनी मर्जी से कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिर प्रेस करके ये देखें ये कलर सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ से ये कलर करते हैं, फिर प्रेस करके ऐसे लेके जाते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें जो डिलीट करना है उसके ऊपर सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करते जाएं। अब मैं सारे डिलीट करता हूँ, ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिए। यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक करूँगा, ठीक है, ये हमारे मेरे पास एक पॉइंट आ गया, इसके ऊपर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर दिया, ये उससे आगे इसने ब्लू स्टार्ट कर दिया, ये देखें। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ, उससे आगे उसने ग्रीन शुरू कर दिया, ठीक है। ये सॉलिड कलर्स हैं, ठीक है, इसमें ये वाले आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका दिल करे, ठीक है, गार्डियन टाइप, लेकिन हम सॉलिड यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर कलर में ये देखें, यहाँ पे इसके ये CMYK आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमें नेट से मिल जाएगी कोडिंग में कलर, ठीक है। नेट पे जाते हैं, यहाँ पे हम कलर लिखते हैं गूगल में, मेरे पास गूगल ओपन है, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर आगे उसके लिख देता हूँ पैलेट, ये कलर ऐसे भी आ जाएंगे, ठीक है, पैलेट में भी, लेकिन कलर कोड लिखता हूँ विद नेम लिस्ट भी आ जाएगी, नेम लिस्ट करके देखते हैं हम, कलर होते कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, नंबर बड़ी करके देखते हैं,
इसके साथ कोडिंग आ रही होगी, वो जस्ट कोड हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है, इस जगह पे सी एम वाई के में, या आर जी बी की होगी, ये वाली होगी सी एम वाई के होती है मोस्टली, ठीक है। तो ये वाला वो वाला कलर बन जाएगा, ये देखिए B4 3757। यहाँ पे लिखना है B4 3757, ये मरजेंडा कलर है, ठीक है। किधर गया B4, वही कलर इसने बना दिए। मैं साइड से कोई लेता हूँ ना, ये येलो वाला जो है इसका कोड है #FFF200। हैश पहले डला हुआ है FFF200, ये देखिए वो येलो कलर आ गया, ठीक है। ये पैलेट आप डाउनलोड करके बेशक रख सकते हैं, ठीक है, जो कलर आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको कलर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसमें ये देखें सारी कोडिंग उस कलर के हिसाब से आ रही होती है, ये देखें जो कलर आएगा उसकी कोडिंग यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, ये वाले पैलेट आप डाउनलोड करके बेशक रख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं गार्डियन, गार्डियन बैकग्राउंड, ये देखें गार्डियन बैकग्राउंड निकल आएंगे, ठीक है। आप ये वाले भी यूज़ कर सकते हैं किसी पिक्चर में, ठीक है, उसका बैकग्राउंड में ये रख सकते हैं गार्डियन। नेट से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, नेट पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ये देखिए वेक्टर इजे है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ गया गार्डियन, ठीक है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड भी करेंगे तो फ्री डाउनलोड हो जाएगा। फाइल डाउनलोड हो गई है, तो मैं यहाँ से शो फोल्डर करता हूँ, शो इन फोल्डर, ये फाइल मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करके, ठीक है, आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट टू इस पर करेंगे तो ये इसी के नाम से फोल्डर बना के कर देगा, यहाँ पे करेंगे तो ये इधर ही पेस्ट कर देगा, तो फिर आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक करें तो इसी के नाम से वो फोल्डर बना के इसमें सेव कर देगा। ये देखें इसी नाम से फोल्डर बन गया,
तो मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर ये देखें, ये पिक्चर है और ये जो है ईपीएस है इसकी। ओके, यहाँ से इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे ले आएँ, ये कैंसिल कर दें। और एक चीज़ इसमें है, यहाँ पे इसमें बहुत सारे जो हैं ना गार्डियंस पहले से मौजूद हैं, ये देखें, यहाँ पे क्लिक करें, ये वाली पैलेट ओपन हो जाएगी इसकी। अपेंड करेंगे तो इसके नीचे ऐड हो जाएगा, ठीक है, वही कलर जो हमने किए हैं, ये सारे आप ऐड कर लें, ये मेटल वाले आ जाएंगे, मेटल की टाइप के। ये देखिए मैं अप्लाई करता हूँ ना, मेटल लुक देगा ये। ठीक है, फिर ये बहुत सारे हैं इसमें, आपने खुद चेक करने हैं ये सारे। ठीक है, ये हम पिक्चर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई पिक्चर लेके आता हूँ, मेरे पास पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है मेरे पास। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसके ऊपर मैं गार्डियन अप्लाई करता हूँ। ये किया तो ये देखिए पूरा आ गया, मैं तो चाहता हूँ हल्का सा है, तो ये इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम करूँगा। ये देखिए गार्डियन इसके ऊपर अप्लाई होगा, जितनी ओपेसिटी आप रखना चाहें आप उस हिसाब से रख सकते हैं। फिर नीचे आता है हमारे पास पेंट बकेट टूल। ठीक है, इसमें जो फोरग्राउंड पे कलर होगा ना, ये वो यहाँ पे अप्लाई कर देगा एक क्लिक से। ठीक है, यहाँ पे आप कलर चेंज करना है तो यहाँ से ये वही आ जाएगा सारा। ठीक है, जो कलर आपने रखना है वो रख के यहाँ से ओके करेंगे और ये देखें वो उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। जो चीज़ ना समझ आए इस लेक्चर में वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए एक और लेक्चर बना दूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। थैंक यू सो मच।